वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ राजस्थान से। और जैसा कि आपको पता है कि मैं दिवाली पे घर आई हुई हूँ, तो यहाँ हम लोग बैठे हैं। ये है अन्नू, ये है मोनू, राम राम सर। तो ये राजस्थानी में हमारे यहाँ पे मतलब गोवर्धन विश को आज के दिन सब विश करते हैं एक दूसरे को, राम राम सा। और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं घर के बाहर। ऐसा नहीं है कि हमको किसी ने निकाल दिया है, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा साउंड इफेक्ट आ रहा था, चिड़िया और ये सारी चीजें। तो बस बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और अन्नू को चाहिए कुछ चटका मटका, तो ये चाहती है कि निक्की जाके टेढ़े मेढ़े भुजिया लेके आए, बट मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ अलग आए। और ये मेरे ताऊजी आ रहे हैं इधर से। ताऊजी राम राम, राम राम ताऊजी। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे हम विश करते हैं एक दूसरे को यहाँ पे। तो ऐसा है कुछ यहाँ का माहौल। ये सब लोग बैठे हैं, ताऊजी बैठे हैं यहाँ पे, अन्नू बैठी है, मोनू लगी अपने वीडियोस बनाने में। अभी यहाँ चर्चा चल रही है कि ताऊजी के लिए अच्छी चाय कौन बनाएगा। तो मुझे लगता है मोनू अच्छी चाय बनाएगी। जा मोनू, चाय बना के ला। जा जा जा, बट ताऊ जी को तेरी हाथ की पसंद है। जा, अन्नू के हाथ की चाय पिया करो। लेकिन आज मोनू की पीछे होना ताऊ जी, मैं तो हमेशा ही पिलाऊं था अन्नू की। अन्नू की मोनू ने पढ़ूंगी। चाय तो निक्की भी अच्छी बना लेता है ना निक्की। फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि मोनू गई है चाय बनाने के लिए। उसको कन्विंस किया है हम लोगों ने बहुत ही मशक्कत के बाद। और अन्नू यहाँ बैठ के अपने बाल सवार रही है। तो तुम क्या कुछ कहना चाहोगे मेरे फॉलोवर्स को? फॉर व्हाट? जो तेरी मर्जी। क्या बोलूं, कुछ नहीं है मेरे पास। इतने इतने लुखे लोग बैठे रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए। देख लो गाइस, इम्पोर्टेंस। और इधर निक्की की चल रही है प्रैक्टिस हर किसी चीज से। ये दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल जीत के आया था क्रिकेट में। तो मोनू अभी तक चाय बना के लाई नहीं है और ताऊ जी का पेशेंस खत्म हो रहा है अभी धीरे धीरे। पता नहीं वो कब चाय लेके आएगी यहाँ पे। much later. तो फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म होते हुए और मोनू लेके आई है चाय बिना ट्रे के हाथ में। 4 घंटे से तू ये एक चाय बना के लेके आई है। और ये ताऊ जी चाय की चुस्की लेते हुए। इसको पसंद नहीं आया कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ तो उड़ के वहां बैठ गया। ओ, फिर उड़ गया। और यहाँ पे गोगा नवमी को मिट्टी का यहाँ पे गोगा जी बना के उसकी पूजा की जाती है। और निक्की ने इसको पूरा अभी खंडित कर दिया इस मूर्ति को, तो अब इसको लगेगा पाप। खंडित हो मेरो के नाम लगा भी बिना बात को। तो बोल रहे पहले से खंडित था बट ऐसा कुछ नहीं था गाइज, इसी लड़के ने किया है पूरा खंडित इसको। और ये हमारे इस साइड पूरा इनका खेत है जहाँ पे बजरी सीमेंट वगैरह सब चीजें देता है। ये आप देख सकते हैं दीवार से बिल्कुल सटा के बजरी, ये ट्रैक्टर खड़ा है इनका। शांति है यहाँ पे, सुकून है सुकून। गाने बज रहे हैं कहीं पे। और ये देखो इसको कैसे शांति से पड़ा है फैल के।
गांव की बात ही कुछ और होती है, बिल्कुल शांति सुकून सब कुछ यहाँ पे आपको मिल सकता है, बट एक सिटी में ये सब नहीं मिल सकता अकॉर्डिंग टू मी। अब हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो, तो ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है। तो गाइज इट्स मैगी टाइम। इस अन्नू को रोटी सब्जी खानी नहीं होती, इसको चाहिए होता है हमेशा कुछ ना कुछ चटपटा। तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये बना रही है, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ इसकी रेसिपी की कैसे ये मैगी बना रही है। अभी ये यहाँ पे टमाटर हरी मिर्च लहसुन डाल रही है मैगी में, जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है। लहसुन कौन डालता है गाइस मैगी में, बट ये देखो ये डालेगी। और ये दो प्याज भी आ चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे खजूर टाइम आ गया बीच में। तो सबसे पहले इसमें कर रही है ये पानी गरम, जिसमें ये अभी मैगी को उबालेगी, देन उसके बाद उसको छोकेगी। थोड़ी सी पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पे इवनिंग के टाइम में कितना ब्यूटीफुल तरीके से सनसेट हो रहा है। सनसेट देखने के लिए हमको कहीं जाने की नीड ही नहीं है, बस छत पे आओ और इतना प्यारा सा व्यू देखने को आपको मिलेगा, ब्यूटीफुल। ये है यहाँ के खेत,
तो अगर आपको लगता है कि राजस्थान बिल्कुल सूखा है तो देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ग्रीनरी भी है। हाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है और काफ़ी मतलब सूखा दिखता है देखने में, क्योंकि सिर्फ खेजड़ी के पेड़ होते हैं और वो बहुत डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहाँ का हमारे सेखावाटी का व्यू कुछ ऐसा है। और यहाँ पे दिवाली चली गई है तो अब उसकी लाइट्स हम हटा रहे हैं।